सीएम योगी के सामने आई ऐसे आईपीएस की फाइल जिसे अखिलेश ने भी हटाया, सीबीआई ने दोषी बताया। पहली बार में ही क्लियर किया यूपीएससी, पर अफसर बनते ही बैठ गई जांच। जाने वाली थी नौकरी, पर अब मिली राहत वाली खबर। कौन है मंजिल सैनी जिसकी कहानी यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर शख्स सुन रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक ऐसे आईपीएस की फाइल पहुंची जिसका अखिलेश यादव ने भी गुस्से में कर दिया था ट्रांसफर। सीबीआई ने भी अपनी जांच में आईपीएस को दोषी ठहरा दिया था, लेकिन सीएम योगी के सामने रखी फाइल में ऐसा क्या लिखा था कि आईपीएस मंजिल सैनी की नौकरी बच गई? ये सब बताएं, उससे पहले सुनिए मंजिल सैनी की कहानी जो हर शख्स सुनना चाह रहा है। 9 सितंबर 1975 को दिल्ली में जन्मी मंजिल सैनी शुरू से ही पढ़ने में तेज थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज से की थी। इसके बाद मंजिल ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में टॉप कर गोल्ड मेडल हासिल किया। साल 2000 में जसपाल देहाल के साथ लव मैरिज की। दोनों दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में साथ पढ़ते थे। यहां से पढ़ाई करने के बाद सैनी ने 3 सालों तक एक कॉर्पोरेट फर्म में नौकरी की। 3 सालों तक प्राइवेट नौकरी करने के बाद सैनी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद मंजिल पहले प्रयास में ही यूपीएससी क्लियर कर आईपीएस बन गई। आईपीएस बनने के बाद कई जगह मंजिल ने अपनी सेवाएं दी, पर चर्चा मुजफ्फरनगर और लखनऊ पोस्टिंग की रही। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे तब यूपी में सपा की सरकार थी और सीएम अखिलेश यादव। दंगे की घटना के बाद अखिलेश काफी नाराज हुए थे और जिले से मंजिल को हटा दिया था। 2017 में जब बीजेपी की सरकार आती है तब मंजिल सैनी लखनऊ पोस्टेड थी। उस वक्त श्रवण साहू नाम के शख्स ने आईपीएस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, पर उस शख्स की बात नहीं सुनी गई थी। श्रवण साहू अपने बेटे के हत्यारों के इकलौते गवाह थे, उनकी सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब श्रवण साहू को बदमाशों ने मार दिया तब मैडम के खिलाफ जांच बैठ गई। मामले में सीबीआई की एंट्री होती है। सीबीआई ने कहा इन्होंने गवाह की सुरक्षा में लापरवाही की, इन पर विभागीय जांच करवाएं। लेकिन जब विभागीय जांच के बाद फाइल सीएम योगी के पास पहुंचती है तो मंजिल सैनी निर्दोष पाई जाती हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद अब माना जा रहा है कि 2005 बैच की आईपीएस मंजिल सैनी को जल्द ही आईजी पद पर प्रमोट किया जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।